नमस्कार प्रिय दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ज्योतिष पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम ज्योतिष पर। मैं हूं आपके साथ भास्कर राव। बात करेंगे 1 अगस्त सन 2022 दिन सोमवार के राशिफल की। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं राशि चक्र की पहली राशि मेष की। मेष राशि के जातकों, आज आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और चीज़ों को व्यवस्थित रखें। आज आपके ऑफिस का सहकर्मी आपकी कोई कीमती वस्तु इधर से उधर कर सकता है, इसीलिए आज आपको अपने सामान को ध्यान से रखने की ज़रूरत है। आइए अब बात करते हैं राशि चक्र की दूसरी राशि वृष राशि की। वृष राशि के जातकों, आपका तल्ख बर्ताव जीवन साथी के साथ आपके संबंधों को तनाव में डाल सकता है, इसीलिए कोई भी ऐसा काम करने के पहले इसके परिणामों के बारे में ज़रूर सोच ले। अगर मुमकिन हो सके तो आज मूड बदलने के लिए अपने जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने को जाएं। बात करते हैं राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन की। मिथुन राशि के जातकों, दूसरों के सफलता को सराहकर आप उसका लुत्फ ले सकते हैं। सिर्फ अकलमंदी से किया गया निवेश ही आज फलदायी होगा, इसीलिए अपने मेहनत की कमाई को सोच समझकर निवेश करें। क्रम है राशि चक्र की चौथी राशि कर्क की। कर्क राशि के जातकों, अपनी बीमारी के बारे में चर्चा करने से बचें। ध्यान दीजिएगा, अपनी बीमारी के बारे में आज चर्चा ना करें। खराब तबीयत से ध्यान हटाने के लिए और कोई दिलचस्प काम करें, क्योंकि इस बारे में आप जितनी ज़्यादा बातें करेंगे उतनी ही ज़्यादा तकलीफें आपको होगी। अब क्रम है राशि चक्र की पांचवी राशि सिंह की। तो सिंह राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए दौड़ भाग भरा होगा, जो आपको तुनक मिजाज बना सकता है। जो लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, आज उनका पैसा डूब सकता है। वक्त रहते सचेत हो जाइए तो आपके लिए यह बेहतर होगा। सोच समझ के आज पैसा निवेश करें। सिंह राशि के जातकों के लिए विशेष आज के गोचर के चंद्रमा के अनुसार चेतावनी है। बात करते हैं राशि चक्र की छठवीं राशि कन्या की। कन्या राशि के जातकों, जरूरत से ज़्यादा खाने से बचें। सेहत रहने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए नियमित व्यायाम करें। दीर्घावधि मुनाफे के नज़रिए से स्टॉक और म्यूचुअल फंड में निवेश करना फायदेमंद होगा। अब क्रम है राशि चक्र की सातवीं राशि तुला की। तुला राशि के जातकों, स्वास्थ्य का ख्याल रखें, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। अटके हुए मामले और अटक सकते हैं, वह आपके खर्च आपके दिमाग पर छा जाएंगे। आपको अपना बाकी वक्त बच्चों के साथ गुजारना चाहिए, चाहे इसके लिए आपको कुछ खास ही क्यों न करना पड़े। आज के उपाय के विषय में आपके लिए विशेष उपाय है। ओम बुद्ध बुद्धाय नमः मंत्र का सुबह शाम दोनों समय 11 बार जाप करें, मन स्वस्थ बना रहेगा। अब क्रम है राशि चक्र की आठवीं राशि वृश्चिक की। वृश्चिक राशि के जातकों, कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, हिम्मत ना हारें और इच्छित फल पाने के लिए कड़ी मेहनत करें। इन नाकामियों को तरक्की का आधार बनाएं, मुश्किल घड़ी में रिश्तेदार भी काम आएंगे। अब बारी आती है राशि चक्र की नौवीं राशि देवगुरु बृहस्पति की प्रधान राशि धनु की। तो धनु राशि के जातकों, जो आज आपका दिन है वह थोड़ा अच्छा नहीं है। गर्भवती महिलाएं जो धनु राशि के अंतर्गत आती हैं, उनके लिए भी दिन बहुत अच्छा नहीं है। चलते फिरते समय खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। तंग आर्थिक हालातों के चलते कोई अहम काम बीच में अटक सकता है, इसलिए सावधान रहें और अपने इष्ट देव की आराधना करें। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों, ऐसी गतिविधियों में शामिल हों जो रोमांचक हो, वह आपको सुकून देंगी। रात के समय आज आपको धन लाभ होने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया धन आज आपको वापस मिल सकता है। कर्ज वापसी की संभावना बनती है जातकों। बात करते हैं राशि चक्र की 11वीं राशि कुंभ की। कुंभ राशि के जातकों, आज के दिन आप मनोरंजन में बाहर की गतिविधियों और खेलकूद को शामिल करें, होशियारी से निवेश करें। आपका अड़ियल रवैया घर पर लोगों के दिल को चोट पहुंचा सकता है, यहां तक कि आपके नज़दीकी दोस्त भी आहत हो सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। प्रेम से व्यवहार करें, अपने गुस्से को आज कंट्रोल में रखें। क्रम है 12वीं और अंतिम राशि मीन की। आज आपकी सेहत पूरी तरह से अच्छी होगी। आर्थिक तंगी से बचने के लिए आपको तयशुदा बजट से दूर नहीं जाना चाहिए। छोटे बच्चे आज आपको व्यस्त रखेंगे, दिली सुकून देंगे। तो दर्शकों, यह था आज का राशिफल।
और सभी राशियों का हाल जानने के लिए कल हम आपसे फिर मिलेंगे ज्योतिष पथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।